जी भाई, एक बार ओवरऑल बताओ इसका एक्सपीरियंस। भाई देखो, जो ऑल्टो लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि ऑल्टो गाड़ी लेनी है, और क्योंकि उनका कुछ लोगों का सपना भी होता है क्योंकि उनके पास कार नहीं है एक्चुअली, तो ये जो गाड़ी है उन लोगों का सपना पूरा कर देती है, 4.5-5 लाख में सपना पूरा कर देती है। कि जैसे हमारा सपना था, आपका सपना था, आपने ऑल्टो ली। सो गुड इवनिंग गाइज, फिलहाल आज ये वीडियो हम शाम को बना रहे हैं क्योंकि अपना ऑफिस का टाइम हो गया खत्म। सो मेन मुद्दा क्या है इस वीडियो को बनाने का, इसमें है अपनी पुराने वाली ऑल्टो, सॉरी पुराने वाली अभी नहीं है, 1 साल ही हुआ है अभी। सो गाइज, फिलहाल ये जो गाड़ी है 10,000 किलोमीटर चल गई है, मतलब क्रॉस कर गई है। सो हमने इसका पहले रिव्यू किया था गाड़ी का, उसके बाद हमने इसके एक बार 2500 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर भी इसका रिव्यू बनाया था। सो आज ये फिलहाल 10,000 चल चुकी है, तो क्या इसके मतलब एक्सपीरियंस रहे हैं भाई को? संजीव भाई सामने ही आपको दिख रहा होगा, और मतलब बेसिकली जो गाड़ी चलाता है ना बंदा, उसी को पता होता है कि गाड़ी एक्चुअल चल कैसी रही है। और ऑल्टो का नाम जैसे फेमस है, तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे फेमस है गाड़ी, वैसा काम कर रही है नहीं कर रही है, सो उसके बारे में संजीव भाई बताएंगे। सो संजीव भाई, आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल राहुल भाई, आपको गुड इवनिंग मेरी तरफ से सभी को। थैंक यू भाई, सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी राहुल भाई। तो विकास भाई उधर है, अच्छा विकास भाई आपको भी है, पीछे हमारे विकास भाई भी है। तो राहुल भाई, जैसे आप बता रहे हो कि ऑल्टो की परफॉर्मेंस के बारे में ना, 10,000 किलोमीटर में जो मुझे पता लगा है, देखो परफॉर्मेंस में अगर मैं बात करूँ ना, परफॉर्मेंस की चलाने में, उसमें ड्राइविंग में, और इसकी जो एवरेज है उसमें, सबसे पहले मैं ना इसकी ना माइनस पॉइंट एक कहूंगा। माइनस पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है ना, मैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड में मैंने एक दो बार इसमें गौर किया है कि ना आपकी गाड़ी ना दबसे की चल रही है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे अब मैंने दूसरे पे या तीसरे पे है गाड़ी हमारी, ठीक है, तो ऐसे लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा एक्सीलेटर दे रहे हो। अच्छा एक बात सुन भाई, धीरे धीरे चल रही है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जरा ये बात थोड़ा बाहर कर ले क्या? हाँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो राहुल भाई मैं ये कह रहा था, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ना, जैसे गर्मी है, सर्दी है, अब जैसे अभी दिल्ली में ना काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो एक दो बार मैंने ना गौर किया है कि ना गाड़ी जैसे आप चला रहे हो ना चलते चलते हाईवे पे, जैसे हाईवे मतलब जैसे छोटा मोटा जो हाईवे आते हैं छोटे, उसमें मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा रेस दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी तब भी नहीं भाग रही है। अच्छा, ये एक दो बार मेरे को मैंने फील करा है। ये मतलब कंटिन्यूस फील किया है या कैसे कैसे? एक दो बार हुआ है वो मेरे साथ में। अच्छा अच्छा, ये लगा लो कि पहली सर्विस में मैंने चेक किया था, ये दूसरे में भी किया था, मतलब ये तीन चार बार हो चुका है मेरे साथ, लेकिन अगले दिन मैं चेक करता हूँ तो बिल्कुल सही चलती है गाड़ी। तो ये कि माइनस पॉइंट है, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके बारे में। अच्छा, अगर आपको पता हो तो मेरे को जरूर बताना। नहीं देखो, मैंने आपको बताया था कि 2-4 दिन पहले कि गाड़ी जैसे दब दब से चल रही है, जो सर्दी का एनवायरनमेंट होता ना, इस टाइम हमारा 3 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर गया दिल्ली में, तो उस टाइम क्या है कि आपको गाड़ी कम से कम 2 मिनट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर 2 मिनट आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करते ना, इंजन जो है ना, इंजन में सर्कुलेट नहीं होता है। अच्छा। तो जब से मैंने ये काम किया है ना, तो मेरी गाड़ी थोड़ी दबके नहीं चलती है, और हाँ थोड़ा फर्क तो मौसम का पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल स्मूथ चलेगी। तो आपको गाड़ी कम से कम 2 मिनट स्टार्ट करने के बाद ही आप गाड़ी को आगे चलाएं, तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, इतना बड़ा इशू होगा इसके बारे में। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस मेरे को अभी तक कोई इशू आया नहीं है, जैसे भगाओ वैसे भागती है, पतली पतली गली में से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये तो फायदा है, अभी तो पहाड़ों का नहीं कहते हैं, पहाड़ों में बहुत ही नैरो रोड होते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे जो लोग है अल्टो ही प्रीफर करते हैं, ये इसी मकसद से। और इसका जो इंजन है ना वो रिलायबल है, टेस्टेड है, कहीं कहीं फेलियर नहीं है। 2.5 लाख किलोमीटर बंदे गाड़ी चला जाते हैं, उसके बाद 1 लाख में चली जाती है, नई अल्टो हो जाती है और अपना काम धंधा चालू कर देते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके एडवांटेज के। अगली बात में बताना चाहूंगा इसकी एवरेज की। हाँ हाँ, बहुत से लोग होते हैं ये कहते हैं कि यार आपकी जो गाड़ी में जो फ्यूल मीटर होता है, जो लास्ट वाला जो लुक लुक करता है, लास्ट वाला जो आपका इंडिकेशन, जो फ्यूल का इंडिकेशन होता है, लास्ट वाला लुक लुक करता है, उसको गाड़ी कितनी चलेगी। अच्छा, तो मैंने क्या करा, एक बार ट्राई किया था कि भाई लुक लुक पे मेरी गाड़ी कितनी चलती है, तो मैंने उसी लुक लुक पे 14 किलोमीटर चलाई है, और मे भी हो सकता है ज्यादा चले उस पे। तो मैंने ये टेस्ट किया है, जो आपकी गाड़ी लास्ट पॉइंट जो बचता है ना, उस पे आप 14-15 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला सकती हो। अच्छा अच्छा, तो ये मैंने चेक किया, तो एवरेज उसी से पता लग रही है कि एक पॉइंट में आपका कितना 3-3.5 यूज होता होगा एक पॉइंट में। मेरे को आइडिया नहीं है इतना कि कितना एक पॉइंट में कितना लीटर पेट्रोल चलता होगा। मेरे हिसाब से 15-16 किलोमीटर चल जाती है एक पॉइंट के अंदर।
अच्छा अच्छा, तो उस हिसाब से मैं ये लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये पेट्रोल की बात बता रहे एक बार जरा, रिजर्व पे मतलब मैं मतलब रिजर्व का मेरे को पता नहीं कितने पे आती है, मेरे को इतना पता है कि जब आपकी गाड़ी का जो फ्यूल मीटर है लास्ट वाला जो पॉइंट होता है लुक लुक करने लग जाता है, उस लुक लुक पे मैंने ट्राई करके देखा था भैया चलती कितनी है गाड़ी, तो मैंने उसको 15-16 किलोमीटर चलाई है और तब भी वो चल रही, मतलब तब भी वो लुक लुक पॉइंट कर रहा था, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था उसमें, मेरे को लगता है कि 17-18 किलोमीटर वो खींच जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने एवरेज लगाई है कि भैया एक पॉइंट पे आप 18-19 किलोमीटर चला सकते हो। एसी में इशू क्या था कि जैसे मैंने गाड़ी ली थी उतना मेरे को जब पता लगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी ना, गर्मी मैंने एसी का फ्लो चेक किया था, तो आप ये लगा लो कि 5 या 4 किलोमीटर चलने के बाद ना गाड़ी गर्मी रहती थी, मतलब ठंडी होने में टाइम लेता था। तो मैंने ये चीज़ सर्विस सेंटर को भी बताई, सर्विस सेंटर वालों ने कहा ठीक है चेक करते हैं, तो उन्होंने प्रण किया एसी का फिल्टर है वो साफ किया, जो भी जो सर्विस होनी थी एसी की वो चेक करी उन्होंने, तो फिर उन्होंने मैंने चेक किया भाई सर्विस के टाइम पे तो हर किसी को लगता है ये ठीक चल रही है, फिर मैंने दोबारा चेक किया तो सेम इशू था उसमें, मेरे को लगा नहीं कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो चलो तो आप इस तरह एक जो आपको फीडबैक कॉल भी आया होगा सर्विस के बाद, तो उसके जो फीडबैक कॉल किया जो भी उसको केस को क्लोज मत करवाना, जो कंप्लेंट वो रेज करते हैं ना, तो आपकी जो मारुति की सर्विस ये तो है कि आपकी गाड़ी का जो ना इशू रेक्टिफाई कर देंगे। हाँ राहुल भाई, वो मैंने कंप्लेंट करा दी है कि भैया मेरे एसी का जो वेंट है ना, एक चीज़ और है इसमें, अगर आप एसी का फ्लो चेक करोगे ना, जैसे मैंने क्या करा हुआ है कि अभी मेरे को चाहिए डिफोगर चाहिए, शीशों पे हवा चाहिए बस, शीशों पे हवा करने के बाद वो सीसी के जो वेंट है उन्हीं पे हवा जानी चाहिए, सारी जगह फ्लो नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिंगल फ्लो, आप ये कह रहे हो कि चाहे आप ऊपर फ्रंट कर लो या जहाँ भी कर लो आपका फ्लो हर जगह मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये हो रहा गाड़ी में हो रहा है ठीक चल रहा है, मतलब ठीक नहीं चल रहा है तो गलत है ना, वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्रंट पे रखेंगे एसी का वेंट तो फ्रंट पे रहेगी, फ्रंट पे रहेगी, आप उसको क्या नाम है अगर ग्लास पे वेंट पे रखेंगे अगर ग्लास पे धुंध वगैरह आती है तो वहाँ नहीं आ रही, जो मैंने भी कुछ चेक किया था वहाँ नहीं आ रही, तो ये इशू है इसके अंदर। ऐसा मुझे एक्चुअली गाइस क्या है ना, ये हम ये बोल नहीं सकते कि ये ऑल्टो के अंदर ही इशू है, ये स्पेसिफिक गाड़ी में हो सकता है, तो इसको चेक कराएंगे और मारुति इतना हमें एक्सपेक्टेशन है कि मारुति इसको करके देगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसका एक छोटा सा इशू आ गया था, क्या था सर जी वो बताया था आपने, वो जो ये ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो बंदा बारिश से भीगते हुए आया था। हाँ सर्विस के ये बात माननी पड़ेगी मारुति की, नो डाउट। मैंने सिर्फ एक कॉल करी थी कि भैया जो आपकी सर्विस करिए ठीक है, लेकिन मेरे बोलने के बाद भी आपने ऑटो लॉक चेक नहीं किया था, वो उन्होंने कहा था कि भैया मैं चेक करा देता हूँ, उस दिन बारिश हो रही थी, बारिश में भीगता हुआ बंदा मेरी गाड़ी को भाई मारना पड़ा सर्विस को, बारिश में भीगते हुए वो टेक्निकल इशू रिजोल्व किया था, मेरे सामने ही किया था, राहुल भाई भी साथ में थे शायद उस टाइम पे, तो साथ में की थी सारी, मानना पड़ेगा मारुति की सर्विस में। तो संजीव भाई एक बार ओवरऑल बताओ इसका एक्सपीरियंस, भाई देखो जो ऑल्टो लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि ऑल्टो गाड़ी लेनी है, और क्योंकि उनका कुछ लोगों का सपना भी होता है जिनके पास कार नहीं है एक्चुअली, तो ये जो गाड़ी है उन लोगों का सपना पूरा कर देती है, 4.5-5 लाख में सपना पूरा कर देती है, ये जैसे हमारा सपना था आपका सपना था आपने अल्टो ली, सपना हर किसी का होता है कि कार खरीदने का, ठीक है। हाँ मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैं भी सपना है कि मेरे कार लेनी है, ठीक है, मेरा जितना मिजान था मेरे को लगा कि ऑल्टो गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगी मेरे बजट में, अगर आप बजट से ऊपर जाते हो तो फिर वही वाली बात हो गई कि अगर आप हाथी पाल रहे हो तो उसे खिलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, मतलब उसके खिलाने के लिए भी आपको, मतलब ओवरऑल अगर आप 10,000 किलोमीटर बाद संजीव भाई बताओ तो आप 10 में से कितने नंबर दोगे ये बताओ मुझे, 10 में से 10,000 किलोमीटर चलने के बाद राहुल भाई इसको रेटिंग में अगर 10 में से रेटिंग दूंगा तो मैं इसको 8 की रेटिंग दूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ देखो ये तो सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो बाकी एसी का काम है, आप ऑल्टो की बात करो, आप ऑल्टो की बात करो, रोड पे आप देखना आधे से ज्यादा आपको ऑल्टो ही मिलेगी हर घर में, अगर बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी भी मिलेगी आपको, ऐसे नहीं कि ऑल्टो की एक छोटी नहीं, वैसे मेरी तो से बताओ ना संजीव भाई, मेरी फेवरेट गाड़ी है इसीलिए मैंने तुझे भी यही रिकमेंड किया था, और मुझे तो वही से बताओ ना एक बार हमें इसका माइलेज और टेस्ट करना है, तो गाइस इसके माइलेज पे वीडियो 10,000 चल चुकी है, वैसे 20,000 के बाद एग्जैक्ट माइलेज आता है, हम इसका 20,000 के बाद या थोड़ा पहले भी हो सकता है एक बार माइलेज टेस्ट जरूर करेंगे। बाकी आपको ये संजीव भाई का जो एक्सपीरियंस कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो कमेंट जरूर कर देना, तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू संजीव भाई, ओके राहुल भाई।